हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी पार्क से घर पहुंच गए और बड़े सूरज करके नहा लेते हैं। बज रहा है 7:30, 6 बजे गए थे और 7:30 बजे आ गए। बहुत सारे लोग थे, 5 चक्कर मारे, फिर एक्सरसाइज और किए। पूरे 500 का राउंड है, पूरे गोल है, गोल नहीं है, थोड़ा बहुत है, यानी 500 मीटर का है। तो 5 चक्कर मारे, अढ़ाई अढ़ाई किलोमीटर, उतने बस बहुत है, उतने में ही थक गए। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको और रोज़ जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। एक दिन जा रहे हैं, एक दिन छूट रहा है, एक दिन जा रहे हैं, एक दिन छूट रहा है। कभी सुबह के गए तो कभी शाम को 6 चक्कर मार दिए सुबह को, ख़त्म। शरीर में दर्द करने लगा, सोए रह गए। तो कल भी नहीं गए थे और आज गए, परसों गए थे। अब शायद कोशिश करेंगे कि रोज़ जाए। इससे क्या होता है कि हमें नहीं पता है, लेकिन पता है कि कुछ होता है, इसलिए हम जाते हैं। वो मुझे नहीं पता है कि क्या हटाओ यार, कुछ भी हो, मन है तो जाओ। तो अभी बाकी सब सोया ही है। ये कल रात को जो पूजा हुआ था चार भाई को, कल विश्वकर्मा पूजा था इसीलिए, और सब साले सोए। तो सोने दो सब, और इधर टंकी का पानी शायद भर गया। हाँ, ये तो आज सुबह से ही बहुत बारिश हुआ। सुबह से लेके शाम तक बारिश हुआ है और ठंड भी थोड़ा बहुत लगने लगा है, इसलिए हमने टी शर्ट और शर्ट पहना है। ज़्यादा बारिश नहीं हुआ लेकिन धीमी धीमी में बरसात हुई है। और अभी थोड़ा बहुत हुई टाइप का पड़ रहा है, बादल तो ठीक ठाक ही है, रात में भी पड़ सकता है। तो बारिश तो हुआ है, बहुत हुआ है। अब ठंड बढ़ गया, ठंडा लगने लगा है, क्या बताएं। हमको ही लग रहा है कि सबको लग रहा है, हमें ठंडा लग रहा है इसलिए हमने शर्ट पहन लिया। किसी और के लगे या ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, साले सब बोलते हैं। तो अब हो गया रात, बज गया 8:30। तो आज खाना बनाने वाली आई थी और सब्जी उब्जी कुछ भी नहीं था, सिर्फ आटा था और दाल। तो बात हुआ, हमने बोला राकेश झा से बात कर लो, क्या बनेगा उनसे पूछना। तो बोले कि सब्जी वाले नहीं आएगा, उसके घर से जाके ले लो। तो सिद्धू काम पे जा रहा था तो नहीं ले पाया, इसलिए आज खाने में कुछ नहीं मिला। सुबह के खाने खा के अभी बैठे दो रोटी। तो कोई कल आएगा, कल बनेगा। और क्या, 4 रोटी बचा है, पूड़े 10 रोटी था, 2 हम खाए, 4 से 2 खाया, अब बचा 4। तो 2 गौरव, 2 राकेश, या 4 गौरव, गौरव 4 भी खा सकता है, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो यूपी से साले बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है उस रिलेशन। और राकेश का तो बजेगा आज बैंड, बहुत बजाएगा आज। अभी तो आया है बाहर से इसलिए मोबाइल चला रहा है, फिर अपनी वाइफ से बात करेगी, घर से इधर से उधर से, मतलब 2-4 घंटा बात ही करेगा वो रात में। नोट्स लेके 12-1 बजेगा शायद, 12:30 की 11:30 मुँह खाना खाएगा, देखेगा कुछ है ही नहीं खाने में, तो खाएगा क्या गंडा। तो उसको आएगा गुस्सा, साले सामान ही ख़त्म हो गया, यहाँ पे रहते हैं बाहर में इसलिए यहाँ पे जो भी सामान रहता था वो सब ख़त्म हो गया, तो वो खाएगा क्या भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी हल्ला हो रहा है वो गौरव, साले खाने का सामान खत्म हो गया यार, तू अब आएगा कैसे, उसे मंगाना है। बात यह कि हम सब नोएडा में रहते हैं, कोई A1 कंपनी, उसमें काम करते हैं, और उसमें काम करते हैं किसी को 10, 15, 19, 25, 24, हम मुझे 10। तो इसी में सबका खर्चा होता है, महीने का खर्च होता है 4,000-5,000, साले बचता है घंटा।
जो बचता है सो पापा मांग लेते हैं, तो देना पड़ता है क्योंकि अभी धान का सीजन है तो उनको भी तो देना ही है, क्योंकि पटवन खेती बाड़ी सब ये सब झमेला है, उनको भी चाहिए तो भेज दिए हमें, 1 रुपया भी नहीं बचा, 10 को मिला, 11 को मांगे, ख़त्म। फिर भैया का रिचार्ज करा दिए, ये वो करा दिए, सब में पैसा ख़त्म हो गया। और मेरा एक दोस्त सतेंद्र और जितेंद्र सर हैं जो हमें कुछ सिखाते थे, वो घर जाते समय पैसा मांगे थे, उनको भी हम पैसे दे दिए। तो दोनों भाई है सतेंद्र और जितेंद्र सर, तो दोनों के लगभग 4900 रुपया दिए, 4900 और कुछ है, 4950 रुपया है। तो उनसे मांगे नहीं है, अच्छा नहीं लगता मांगना। अभी उनको और 3000 रुपया की ज़रूरत है लेकिन दे नहीं पा रहे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब 1 रुपया है, मात्र 1 रुपया अकाउंट में है, इसके आगे नहीं है। 1 रुपया 11 पैसा इतने ही है, इसके आगे है ही नहीं। अगर जो मुझे ज़रूरत पड़ता है, पड़ता ही नहीं, कुछ खाना नहीं, बाहर में जाते हैं तो दूसरे के साथ बोल दे खिला खिला, नहीं खिलाना मत खिला साले, मोबाइल चलेंगे बात करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो अब बाद में जो कांड हुआ सो पेश करेंगे आपके सामने, आशा रहेगा कि हम पेश कर पाए, क्योंकि पेश और खामोश चलते रहता है।